हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आई एग्जाम बी. दिस इज सोनल सकलानी. सो कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने कुछ दिन पहले एक नोटिफिकेशन निकाला था फॉर वेरियस पोस्ट, और उसी में से एक थी जूनियर कमर्शियल एग्जीक्यूटिव की, जिसमें अराउंड 81 पोस्ट हैं. एंड ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है फॉर ऑल द बीएससी एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स. जो भी एएफओ की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो इसी के साथ साथ, या कोई और भी आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसी के साथ साथ आप सीसीआई के इस एग्ज़ाम की भी प्रिपरेशन कर सकते हो. अब इसका जो एग्ज़ाम हुआ था लास्ट टाइम, दैट वॉज इन 2020. एंड उसी का क्या है, प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पेपर है उसका कैसा ट्रेंड रहा है, किस कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस आए हैं, वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं. ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट इज कि हम पहले वो देख लें कि उसमें सिलेबस क्या है. ठीक है, तो सिलेबस अगर आपने देखा होगा नोटिफिकेशन में ही ये पूरा मेंशन किया गया था. अलग अलग जो इसमें टॉपिक्स हैं उससे आ रहा है, उससे जो जो टॉपिक्स ये लेंगे उसका पूरा इन्होंने डिस्क्रिप्शन दे रखा था. अब इसमें क्या है, मेनली पाँच सेक्शंस हैं. पाँच सेक्शंस में से आएगा. एक है, पहला हमारा तो जनरल इंग्लिश का है. ठीक है, फिर है जनरल जो रीजनिंग होती है. जनरल इंग्लिश के क्या है, 15 क्वेश्चंस आएंगे, 1 मार्क्स ईच, 15 मार्क्स के. ठीक है, सेकेंड हमारा रीजनिंग वाला है. रीजनिंग के भी कितने हैं, 15 क्वेश्चन, 1 मार्क्स के. थर्ड हमारा था क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इसमें भी 15 का वेटेज है. और फोर्थ जो है वो है जीके, जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, हिस्ट्री, सिविक्स, जिसमें सारा कुछ आएगा. इसमें भी आप 15 क्वेश्चंस हैं और 1 मार्क्स के. तो ये थोड़ा आप बोल सकते हो कि इसमें से सिर्फ एक जीके वाला या जनरल अवेयरनेस वाला जो सेक्शन है वो आपको एक्स्ट्रा प्रिपेयर करना पड़ेगा. अगर आप एएफओ के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो QRE तो ऑलरेडी आप उसमें भी प्रिपेयर कर रहे हो, इसमें सिर्फ आपको GK एक एक्स्ट्रा प्रिपेयर करना पड़ेगा. ठीक है, अदर देन दिस जो यूनिट 5 है, यूनिट 4 तो ये थी QRE प्लस GA, यूनिट 5th है जो BSc एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है, एग्रीकल्चर से सब्जेक्ट नॉलेज से क्वेश्चंस. तो इसमें भी हमारे पास अलग अलग टॉपिक्स हैं. मार्केटिंग है, फार्म पार है, एंटोमोलॉजी, क्रॉप पेस्ट, माइक्रोबायोलॉजी, सॉइल माइक्रोबायोलॉजी, और ये सारे हैं वीड मैनेजमेंट, ऑर्गेनिक फार्मिंग, एग्रोनॉमी से जितने भी रिलेटेड. इसके अलावा जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट देने वाली चीज़ है वो है कॉटन, क्योंकि CCI का एग्जाम है तो ऑब्वियसली दे विल आस्क अबाउट द कॉटन, है ना. तो कॉटन का पूरा प्रोक्योरमेंट कैसा होता है, एरिया क्या है, क्या कितनी इसकी MSP है, कैसा इसका प्रोडक्शन का सिनेरियो है ऑल ओवर द वर्ल्ड, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कितना होता है इंडिया से, ये सारा भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है. तो ये सब आप पढ़ के जाएंगे जब भी आप. अभी तक देखिए एग्ज़ाम की डेट अभी तक डिक्लेयर नहीं हुई है, लेकिन फिर भी यू हैव टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग. ठीक है, कभी भी एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आ सकता है. अब जो प्रीवियस ईयर पेपर है, 2020 में इसका एग्ज़ाम हुआ था, ऑल्दो उसके बाद कैंसिल हो गया था एग्ज़ाम, लेकिन एग्ज़ाम पहले कंडक्ट हुआ था. एंड उसका जो पूरा क्वेश्चन पेपर है उसके बेसिस पे हमने एनालिसिस करा है कौन से वाले जो सब्जेक्ट्स हैं उनसे कितने क्वेश्चंस आए थे. ठीक है, तो पहला हम देख लेते हैं एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, जो कि उसमें जो सिलेबस है उसमें भी मेंशनड है इकोनॉमिक्स का, है ना, एग्रीकल्चर मार्केटिंग ट्रेड एंड प्रैक्टिसेस, इट इज़ बेसिकली अंडर इकोनॉमिक्स से ही आता है. ठीक है, तो इससे कितने क्वेश्चंस आए थे हमारे, टोटल 6 क्वेश्चंस. कैसे कैसे क्वेश्चंस थे, मार्केट से रिलेटेड क्वेश्चंस थे. ठीक है, परफेक्ट मार्केट क्या होता है, इम्परफेक्ट मार्केट क्या होता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस थे. 2 क्वेश्चन मार्केट पे ही आए थे. स्टेजेस ऑफ मार्केट, क्या क्या अलग अलग स्टेजेस होती है मार्केट की. MSP से रिलेटेड क्वेश्चन था कि MSP लाइक कौन डिसाइड करता है, कौन सा एक यूनिट है जो रिकमेंड करता है, CACP रिकमेंड करता है ना, तो उस पर क्वेश्चन आ रखा था. बैलेंस ऑफ ट्रेड पे आ रखा था. डिमांड और सप्लाई कर्व पे रिलेटेड क्वेश्चन आ रखा था. ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम सॉइल साइंस. अब सॉइल साइंस ऑल्दो मेंशन नहीं है, अगर आप इसका सिलेबस देखेंगे पूरा तो इसमें सॉइल साइंस अलग से मेंशन नहीं है, ऑल्दो सॉइल माइक्रोबायोलॉजी मेंशनड है, लेकिन क्वेश्चन सॉइल साइंस से भी आ रखे थे. तो फिर पहले तो आप सिलेबस पे स्टिक करेंगे. ठीक है, जितने भी टॉपिक्स ऑलरेडी दे रखे हैं सिलेबस में वो सारे आप पढ़ेंगे, उसके अलावा भी आपको जनरल एग्रीकल्चर पढ़ना है. ठीक है, तो सॉइल साइंस से आप देख सकते हो 7 क्वेश्चंस थे इसमें. गैसेस इन सॉइल, कितना अमाउंट होता है कौन सी गैसेस का. ठीक है, कॉम्पोनेंट्स ऑफ सॉइल्स थे. सैलिनिटी, सॉइल परमिएबिलिटी क्या होती है, उस पर क्वेश्चन था. सॉइल जोन्स कितने हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, उस पर क्वेश्चन था. प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल, सॉइल एग्रीगेट कैसे बनता है, कौन सा फोर्स उसमें लगता है. ठीक है,
ये क्वेश्चन थे. देन फार्म पावर मशीनरी से क्वेश्चन थे. ऑल दो बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या है इस वाला जो ये सब्जेक्ट है इससे थोड़ा डरते हैं, लेकिन फार्म पावर आपको कवर करना पड़ेगा अगर आपको CCI का एग्ज़ाम क्लियर करना है. सी 81 वैकेंसीज है, ठीक अमाउंट है वैकेंसीज़ का, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो. ऐसे नहीं कि बहुत ही कम है, स्टिल यू नो यू शुड बी एमिंग फॉर दिस. ऑलराइट, फार्म पावर मशीनरी में पांच क्वेश्चंस थे. क्वेश्चंस किससे रिलेटेड थे? टिलेज से, प्राइमरी सेकेंडरी टिलेज से रिलेटेड क्वेश्चन था. ठीक है, प्लाउ से था, डेप्थ ऑफ टिलेज से था, परफॉर्मेंस इंडेक्स. परफॉर्मेंस इंडेक्स कितनी होती है जो डिफरेंट ड्राफ्ट के ड्राफ्ट पर्पस के लिए जो भी इम्प्लीमेंट्स यूज किए जाते हैं उससे उससे रिलेटेड क्वेश्चन था. शेयर पे रिलेटेड क्वेश्चन था. ठीक है, इसके बाद आते हैं हम एंटोमोलॉजी. एंटोमोलॉजी इंपॉर्टेंट पार्ट होल्ड करता है. इसे देखिए, कॉटन में भी आपने देखा होगा बहुत सारे इंसेक्ट पेस्ट लगते हैं, तो एंटोमोलॉजी तो इम्पॉर्टेंट है ही. ठीक है, सो एंटोमोलॉजी से 5 क्वेश्चंस थे. इसमें बेसिक डेफिनेशंस थी. सी, अगर आप क्वेश्चन पेपर देखोगे ना तो कुछ तो बहुत बेसिक से क्वेश्चंस थे, बहुत इजी क्वेश्चंस हैं जो बहुत, अगर आपने BSc एग्रीकल्चर से आपको थोड़ा सा भी नॉलेज होगा तो आप इजीली कर लोगे. लेकिन एक दो क्वेश्चंस हमेशा ऐसे होते हैं जो डिफ़िकल्ट आते हैं. ठीक है, तो एक तो डेफिनेशन का क्वेश्चन था इसमें. एंटोमोलॉजी की डेफिनेशन पूछी गई थी. फिर स्टेम फ्लाई का क्वेश्चन था, स्टोर्ड ग्रेन पेस्ट का था, राइस के पेस्ट पे एक क्वेश्चन था. ठीक है, और लॉसेस ड्यू टू पेस्ट की टोटल कितना लॉस होता है पेस्ट के की वजह से, या फिर किस टाइप का लॉस होता है, इकोनॉमिक लॉस होता है, कैसा लॉस होता है, उस टाइप का क्वेश्चन भी आ रखा था. ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम क्रॉप पेस्ट पे. सो क्रॉप पेस्ट से रिलेटेड थे कि इकोनॉमिक पेस्ट किस लेवल पे जाके होते हैं. ठीक है, IPM पे क्वेश्चन था, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट पे, पेस्ट क्लासिफिकेशन पे, इकोनॉमिक पेस्ट पे. ठीक है, पेस्ट मैनेजमेंट पे, कैसे पेस्ट का मैनेजमेंट करते हैं, IPM क्या होता है. IPM का फुल फॉर्म बेसिकली पूछा गया था. ठीक है, IPM का फुल फॉर्म क्या होता है, तो दैट वॉज ईजी क्वेश्चन. नेक्स्ट है माइक्रोबायोलॉजी पे क्वेश्चन थे. तो जो सिलेबस है उसमें भी मैंशनड है सॉइल माइक्रोबायोलॉजी और एग्रीकल्चरल माइक्रोबायोलॉजी, दोनों ही उसमें मैंशनड है. तो इस पर भी क्वेश्चन आ रखा था, इसकी भी बेसिक सी डेफिनेशन पूछी गई थी. फिर था फंजाय पे एग्रीकल्चरल माइक्रोबायोलॉजी पे. एग्रीकल्चरल माइक्रोबायोलॉजी में क्या बेसिकली हम पढ़ते हैं, वो क्वेश्चन था, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था. ठीक है, एक्टिनो बैक्टीरिया पे क्वेश्चन आया था. नेक्स्ट आते हैं हम एग्रोनॉमी में. सो एग्रोनॉमी मैंने एक्चुअली इसमें क्लब कर दिया है. इसमें जो सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो डायमेंशंस ऑफ एग्रीकल्चर है, और क्या था ऑर्गेनिक फार्मिंग है उस पर क्वेश्चंस, और जो वीड मैनेजमेंट है उस पर क्वेश्चंस. तो ये तीनों मैंने इसमें क्लब कर दिए हैं. ऑर्गेनिक फार्मिंग, सिर्फ ऑर्गेनिक फार्मिंग से ही क्या है, 3 क्वेश्चंस हैं, क्योंकि उसमें अलग से मेंशन है तो बहुत इंपॉर्टेंट है आप ऑर्गेनिक फार्मिंग ठीक से पढ़ के जाएं. ठीक है, उसके अलावा नेचुरल फार्मिंग पे भी क्वेश्चन था, और नेचुरल फार्मिंग आजकल ट्रेंड में भी है, क्योंकि गवर्नमेंट भी आपने देखा होगा बजट में भी उसी के बारे में बात कर रही है, उस पर स्कीम्स लेके आ रही है. तो फिर नेचुरल फार्मिंग इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, इंपॉर्टेंट टॉपिक होल्ड करता है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था राइस पे ही 2 क्वेश्चंस आ रखे थे. ठीक है, उसके अलावा हार्वेस्टिंग पे, नेचुरल फार्मिंग, बायनियल वीड्स, क्योंकि वीड मैनेजमेंट भी है इसमें, तो बायनियल वीड्स में, वाटर मैनेजमेंट इन पैडी के बारे में था. वीड मैनेजमेंट के क्वेश्चन थे, वीड्स के अलग, लैंडेना कैमरा क्या होता है, ठीक है, उससे क्या रिलीज होता है, ऐसे क्वेश्चन टाइप के थे. माइक्रो इरीगेशन में कितनी एफिशिएंसी होती है इसकी, वो क्वेश्चन था. सॉर्गम पे इससे रिलेटेड क्वेश्चन था, सॉर्गम में कितना प्रोटीन परसेंटेज होता है, रेन फेड एरियाज क्या होते हैं, ये सारे क्वेश्चंस भी थे. नेक्स्ट कॉटन, देखो कॉटन क्या तो अलग से होगा ही ना, सो ये सिलेबस में भी मेंशनड है. कॉटन में स्टेट का डेटा पूछा गया था, उसमें पूछा गया था लाइक राजस्थान का था एक क्वेश्चन, कि कौन सा एक डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान का जिसमें कॉटन को ग्रो नहीं किया जाता है, तो उस टाइप के क्वेश्चन है. अब इसमें आपको पता होना चाहिए कि कॉटन ग्रोइंग कौन कौन से स्टेट्स हैं. ये मैंने ऑलरेडी एक वीडियो आ रखी है, उसमें ऑलरेडी डिस्कस किया है पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस ऑफ कॉटन. और उससे पहले कैलाश सर की भी एक वीडियो है जिसमें उन्होंने कॉटन का पूरा सिनेरियो बताया है कि इंडिया में कितना कितना प्रोडक्शन अभी तक हुआ है, क्या पिछले सालों का ट्रेंड रहा है, तो वो भी आप गो थ्रू कीजिएगा. ठीक है, यू शुड गो थ्रू ऑल दोज वीडियोस. ऑलराइट, देन कॉटन का प्रोडक्शन कितना हुआ है, बेल
मतलब हम क्या करते हैं, जो भी प्रोडक्शन होता है उसको जो मेजर करते हैं वो बेल्स में करते हैं, ठीक है, इन लाख बेल्स. तो वो आपको पता होना चाहिए कि एक बेल कितना होता है. नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि 1 बेल ऑफ कॉटन इज इक्वल टू हाउ मेनी केजीज ऑफ कॉटन. ऑल राइट, देन जी हिर्सुटम, गॉसिपियम हिर्सुटम. सी, 4 स्पीशीज है गॉसिपियम की, ठीक है. उसमें से जो गॉसिपियम हिर्सुटम है वो सबसे ज़्यादा ग्रो किया जाता है इंडिया में. क्वेश्चन था कि गॉसिपियम हिर्सुटम कितना परसेंट एरिया में ग्रो किया जाता है इंडिया में, ठीक. वो क्वेश्चन था. वेजिटेटिव डेवलपमेंट ऑफ कॉटन पे क्वेश्चन था. स्पीशीज ऑफ कॉटन, इंडिया में 4 मेजर स्पीशीज है. तो क्वेश्चन ये आया था कि कौन सी ऐसी कंट्री है जहाँ पर 4 कल्टिवेटेड जो स्पीशीज हैं वो सारी कल्टिवेट होती हैं, मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड जो है 4 ही कल्टिवेटेड स्पीशीज हैं कॉटन की. उसमें से ऐसे कौन सी कंट्री है जहाँ चारों होती है, तो इंडिया इसका आंसर था, ठीक है. ऐसा क्वेश्चन आया था. इसके अलावा मिसलेनियस टॉपिक्स भी थे, मतलब कि जनरल एग्रीकल्चर वाले क्वेश्चन, ठीक है. तो वो उसमें से सोमैटिक रिप्रोडक्शन क्या होता है, जेनेटिक का आ गया था क्वेश्चन. फिर क्लाइमेट चेंज पे क्वेश्चन था. एग्रीकल्चर टाइपोलॉजी कौन सी कंट्री से सबसे पहले स्टार्ट हुई, मीसो क्लाइमेट क्या होता है, नर्सरी पे क्वेश्चन था. ए, बायोटिक फैक्टर्स कौन कौन से हैं, ठीक है, बायोटिक फैक्टर्स कौन से हैं, ऐसा क्वेश्चन था. वाटर टेबल पर का क्वेश्चन था. तो ये सारे टाइप के आप देख सकते हो क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए थे. अब इसमें से आप देख सकते हो कि सबसे ज़्यादा एग्रोनॉमी का जो पोर्शन है उसमें से क्वेश्चंस है, ठीक है. तो एग्रोनॉमी आपको बहुत अच्छे से करना है, स्पेशली तो कॉटन का जो भी पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस है वो सारा आप एक बार देख लीजिएगा, ठीक है. सो एग्रोनॉमी पे ज़्यादा क्वेश्चंस थे. इसके अलावा आप देख सकते हो, इसके अलावा क्या है, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट है. इसमें 6 क्वेश्चन. सॉइल साइंसेज, ऑल दो ये मेंशन नहीं था लेकिन सॉइल साइंस आपको कवर करके जाना है, ठीक है. 7 क्वेश्चन से इसमें से थे. बाकी सब में से आप देख सकते हो 5 क्वेश्चन फार्म पार से, फार्म एंटोमोलॉजी से भी 5 क्वेश्चन थे, क्रॉप पेस्ट से 4, कॉटन से 5. तो ये सारे टॉपिक्स जितने भी मेंशन किए हुए हैं सिलेबस में, आप वो सारे एक बार पढ़ के जाइए और मतलब इसको अच्छे से पढ़िए, ठीक है, जितने भी सिलेबस में मेंशन क्वेश्चंस हैं. अब आपके लिए एक क्वेश्चन है जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2020 में ही जो क्वेश्चन पेपर आया था उसमें से एक क्वेश्चन मैंने आपके लिए दे रखा है. क्वेश्चन है, गॉसिपियम हिर्सुटम रिप्रेजेंट्स डैश परसेंट ऑफ द हाइब्रिड कॉटन प्रोडक्शन इन इंडिया, ठीक है. अब ये ऑप्शंस हैं, आपको मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है. अगर आप चाहते हो कि हम पूरा ये क्वेश्चन पेपर कवर करें, यूट्यूब पे लेके आए इसका वीडियो, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा. ऑल राइट, इसके अलावा अगर आपको चाहिए कि आप मॉक टेस्ट अगर इसके लिए चाहिए आपको प्रिपेयर करने के लिए, आपको एसेस करने के लिए कि कितना आपका प्रिपरेशन ठीक चल रहा है, तो आप हमारी साइट पे जाके फ्री मॉक टेस्ट इसमें अवेल कर सकते हो, ठीक है, फ्री में अवेलेबल है. नेक्स्ट, आपको अगर चाहिए प्रॉपर गाइडेंस, आपको प्रॉपर नोट्स चाहिए इसके, तो आप हमारा कोर्स भी परचेज कर सकते हैं वेबसाइट पे जाके. 50% ऑफ अभी चल रहा है, तो आप जाके वहाँ पर अवेल कर सकते हैं. तो ये था सब कुछ अबाउट दी जो भी अभी तक ट्रेंड रहा है, इसको माइंड में रख के आप अपनी प्रिपरेशन को शेप कर सकते हैं, ठीक है. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हिट द लाइक बटन, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब इट. ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.